बीच नाव से पार कर बच्चे और शिक्षक जाते हैं विद्यालय, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। मामला प्राथमिक विद्यालय संत नगर और लालूचक प्यारा बाबूपुर सबौर क्षेत्र का है। भागलपुर खतरे के निशान पर बहती गंगा के बीच नाव पर सवार होकर करीब 70 बच्चे और शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाई करने और कराने विद्यालय जाते हैं। बच्चे बाढ़ के पानी से उफनती गंगा के बीच से गुजरते डर भी नहीं लगता, पूछने पर कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बता दें कि यह विद्यालय भागलपुर के सबौर के अंतर्गत संत नगर का है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संत नगर के अलावा प्राथमिक विद्यालय लालूचक दियारा दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चों को विद्यालय तक लाने और ले जाने की कवायद शिक्षक और प्रभारी को करना पड़ता है। वहीं शिक्षक संजय कुमार और प्रभारी कुमारी प्रियंका ने बताया कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के चलते विद्यालय आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चों का हौसला देख कर हम लोग काफी खुश है। वहीं शिक्षकों ने यह भी बताया कि नाव से विद्यालय तक आते और जाते हैं जिन्हें हम लोगों के संरक्षण में लाया और ले जाया जाता है। इस पर सरकार पहले से कुछ तैयार करे तो शायद इतनी परेशानियों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़े। बताते चले कि यह हर साल की बात है, ना कि बस इसी साल की बात है। गांव का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है विद्यालय के बच्चों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। बारिश में भी मौसम जब तक अपने तेवर को बदलते हैं और गंगा में उफान आता है तो बच्चों को और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना कर विद्यालय जाना और आना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी खासा असर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को कहां तक सहायता मिल पाती है। इस तरह उफनती गंगा में बच्चों को विद्यालय तक नाव से आने और जाने के क्रम में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने। कानूनी संघ न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।